भाभीसा के हृदय पर जो चोट लगी है उसने उन्हें अवाक कर दिया है। मीरा, मीरा, आपका दुख मैं समझता हूं। आप मायके जाएगी तो अपनों से मिलकर कुछ दुख कम होगा। वहां आपके पिताजी साहब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे गिरधर गोपाल मुझसे मिलने आने वाले हैं, मुझे लेने आने वाले हैं, तो फिर मैं और कहीं कैसे जा सकती हूँ भाभी साहब? हाँ, मुझसे अभी यही तो कहा मेरे गिरधर गोपाल ने कि वो यहाँ मुझे लेने आने वाले हैं। आप मीरा की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या करें? अगर भाभी सा नहीं जा रही है तो इनके मायके क्या संदेश भिजवाएं? ये भी अब मेरी चिंता है। भाभी सा, ऐसे वक्त में आप अपने मायके में रहेंगी तो आपको और उनको सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो तब अच्छा लगेगा जब मेरे गिरधर गोपाल मुझे स्वयं लेने आएंगे। क्षमा कीजिए, मीरा बाईसा नहीं आ सकेगी। भाईसा, भाभी सा को भक्ति में बावरे होते हमने पहले भी देखा है, परंतु अब तो उनका बावरापन सारी हदें ही पार कर चुका है। उन्हें तो अपनी माँ तक की चिंता नहीं रही भाई साहब। बावलापन नहीं, ये तो मीरा का अपने भगवान से लगन है। वो भक्ति में जितना गहरा उतरेगी संसार से उसके सारे नाते बंधन टूटते जाएंगे, बस अपने गिरधर से प्रेम रह जाएगा। प्रभु मेरी माँ पर कृपा करें, उन्हें मोक्ष दें और अपनी शरण में ले लीजिए। भोजराज ये जान चुके थे कि मीरा बाई की भक्ति मोह माया से परे है। गिरधर गोपाल से उनका संबंध जीवन और श्वास के समान था, इसलिए भोजराज ने अब मंदिर के निर्माण में कोई देर नहीं की। देवमल, मंदिर निर्माण का काम ऐसा होना चाहिए कि मीरा के गिरधर गोपाल और साधु संतों सबके मन को भाए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर उदाबाई के मन में तो कुछ और ही था। वो अपने भाई सा के दाम्पत्य सुख के लिए मीरा बाई को उसकी गिरधर भक्ति से निकालने का प्रयास करने जा रही थी। सावन का झूला उत्सव होना तो बहुत ही जरूरी है, किंतु उदाबाई सा, हम जानते हैं इस साल हमारे पति का आना मुश्किल है, परंतु इस साल ये उत्सव हमारे लिए नहीं, इन दोनों के लिए है। एक तो सावन का ये सुहाना मौसम, उस पर बलखाता झूला किसी को भी रिझाने के लिए काफी है, और इसी उत्सव के बहाने भाई साहब अपने कार्य से और भाभी सा अपनी भक्ति से समय निकालकर एक दूसरे को समय दे सकेंगे। एक दूसरे को समझकर एक अलग ही जुड़ाव का अनुभव कर सकेंगे। सभी नवविवाहित दंपतियों को आमंत्रित करो, राजबागान में प्रेम का झूला लगेगा, प्रेम की वर्षा होगी। Thank you.
मयूर, पपिया, कोयल, दादूर, ये सबके स्वर सुनाई दे रहे हैं। कहीं ये मेरे प्रभु का कोई संकेत तो नहीं? नहीं रानी सा, आप पहले बुखार में तप रही थी, तो इस बारिश में बाहर क्यों हैं? सावन में मोर को, पपीहे को, कोयल को, दादूर को, कहीं इनमें से कोई मेरे प्रभु का संदेश लाया हो। फिर कोई संदेश मिला आपको? लगता है मेरे गिरधर अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा है। यदि भेजा होता तो मैं अब तक समझ गई होती। हरी को संदेशो कछु नहीं लायो रे, धादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनायो रे, काली अंधियारी बिजली चमके मेरे नाते दर पाए रे, मन रे परसी हरी के चरण लिसते तो मन रे परसी हरी चरण। मैं भी कुछ नहीं कराती हूँ। मन रे परसी हरी के चरण ये वृक्ष तो वैसा ही है जिसका संकेत प्रभु ने दिया था, बस केवल झूला नहीं है। अर्थात संदेश भेजा है उन्होंने, संकेत दे दिया अपनी मीरा को। मेरे गिरधर ने मुझे संकेत दिया, मेरे गिरधर को। अब बुखार कम तो है, पर बारिश में इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो उन्हें मना किया था, पर ये बोली कि इन्हें गिरधर गोपाल के संदेश की प्रतीक्षा है। भाई साहब समझाइए भाभी साहब को, अति कभी अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो भक्ति की ही क्यों ना हो। प्रभु प्रेम में हास्य का पात्र बनती जा रही है भाभी सा, कुछ कीजिए भाई सा। मैं समझाऊं अपनी गुरु को और क्या समझाऊं, जब मुझे विश्वास है ये इनकी अनोखी भक्ति ही है। अब सावन झूला उत्सव का क्या होगा? सावन का झूला? सावन झूला उत्सव में मीरा भाग नहीं ले सकती, हमें उस उत्सव को रद्द कर देना चाहिए। उचित है, मीरा बाई स्वस्थ नहीं है तो इस उत्सव का भी कोई लाभ नहीं। नहीं, झूला उत्सव होने दीजिए, रोकिए मत उसे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप स्वस्थ नहीं है भाभी सा। भाभी सा,
संभल कर आराम से। नहीं उदा भाई साहब, मैं अपने आप को इतने सुंदर उत्सव से वंचित नहीं रखना चाहती। इसे रद्द मत कीजिए। किंतु मीरा भाई साहब, अब एक दिन से ज्यादा बेहोश थी। क्या इसका मतलब है मेरे गिरधर गोपाल इतने समय से अकेले हैं? उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं रानी साहब, आपने जो जो कहा मैंने सब कर दिया। क्या कहा था? आप बेहोश थे और बेहोश में भी कुछ बड़बड़ाकर बता रहे थे। फिर भी मेरे गिरधर गोपाल ने इतने समय से मुझे देखा नहीं, मुझे उनके पास जाना होगा। अब तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है। सावन का झूला उत्सव बहुत जरूरी है, ये उत्सव हमें करना ही होगा। सावन का झूला, इसमें तो सभी के सामने अपने पति का नाम लिया जाता है, किंतु मीरा बाई तो गिरधर गोपाल को अपना पति मानती है। अगर उन्होंने वहां सबके सामने ये बात कह दी तो। प्रभु, जैसे ही मैं आपका नाम पुकारूं, आप बस चले आना, अपनी मीरा को और मत तरसाना। मीरा के लिए तो उनके गिरधर गोपाल उनके प्रभु भी थे और पति भी। उनके दर्शन के लिए वो इतनी उत्साहित थी कि ये भी भूल गई कि दूसरों की दृष्टि में वो नहीं, राणा जी भोजराज उनके पति थे। तो क्या भोजराज जी ने मीरा को समझाने का प्रयास नहीं किया? जब भक्त की दृष्टि अपने आराध्य के दर्शन के लिए व्याकुल हो तो उसे आसपास ना कुछ दिखाई देता है ना ही कुछ सुनाई। और यहाँ तो मीरा बाई अपने प्रभु की ही नहीं अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में थी। सावन के झूला उत्सव का इंतजार तो हमें पूरे साल ही रहता है, इस साल भी बहुत आनंद आएगा। भाई साहब, भाभी साहब, हम सभी आपकी ही राह देख रहे थे। इस उत्सव में सभी नव विवाहिताएं दुल्हन बनकर आएंगी। ये देखिए, भाभी साहब, आप इस परिस्थिति में इस उत्सव में भाग तो ले सकेंगी ना? हाँ उदा भाई साहब, इस उत्सव का नाम सुनते ही मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ये उत्सव तो सच में बहुत ही अद्भुत है भाभी साहब। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, उनकी आयु लंबी होती है, जीवन में खुशहाली आती है। इसीलिए इस रस्म का बड़ा ही महत्व है। और भाभी साहब, इसे करने से आनंद भी बहुत मिलता है। मुझे पता है मैं आपके लिए क्या पहनूंगी। लीजिए भाई साहब, भाभी साहब तो अभी तैयारियों में लग गई। मुझे लगता है इस उत्सव से आप दोनों पति पत्नी के रूप में और निकट आ सकेंगे। वैसे ये उत्सव कहाँ होगा? आपको नहीं पता? हमारा संबंध तो गुरु और शिष्य का है, ये सच है, पर इसे सभी के सामने नहीं आना चाहिए। मुझे मीरा को इस उत्सव में भाग लेने से रोकना होगा। संदूक में होगा। मीरा भाई साहब, क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या? मिल गया।
सब के लिए बड़ी उत्साहित है आप, पर हमें उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। आप परिवार के, समाज के सभी लोग होंगे और आपको बुखार भी है। भगवान ने एक बहाना और दे दिया, पर लगता है उत्सव में जाने का आपका बड़ा मन है। वहां सभी अपने पति पत्नी का नाम लेंगे, तो हम भी गुरु शिष्य के रूप में एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। ये देखिए ना राणा जी साहब, बताइए ये जोड़ा आपको कैसे लगा? ये वही जोड़ा है जो मेरे गिरधर गोपाल ने मेरे लिए द्वारका से भेजा था जब वो मुझसे विवाह करने आए थे। मैं ये उत्सव में यही पहनूंगी। जब मेरे प्रभु आएंगे ना तो देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। वो आएंगे, पूरा यकीन है आपको? आएंगे राणा जी साहब, वो अवश्य आएंगे। और इस बात का संकेत तो मुझे काफी दिनों से दे रहे हैं। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये तो बस एक ही संकेत है। और किंतु वहां इतने सारे लोग होंगे, उनका क्या करेंगे हम? जब मेरे गिरधर गोपाल स्वयं वहां आएंगे ना तो ये सारी चिंताओं का कोई अर्थ नहीं होगा। और मैंने जो कहा वही करेंगे ना हम, एक दूसरे का नाम लेंगे ना। मैं नाम लूंगी। मैं प्रभु का नाम लूंगी और वो मेरे सामने होंगे। मीराबाई ने सभी के सामने मेरा नाम लिया तब कुछ नहीं होगा। चलो चलो उदा भाई साहब, सारे अतिथि आ चुके हैं, अब उत्सव शुरू करने में देर उचित नहीं। और सभी तो आ गए, लेकिन आज यहाँ जिन सबसे महत्वपूर्ण दंपति को होना चाहिए था वो कहाँ हैं? कहाँ है रानी जी साहब, राणा जी साहब? जी भाई साहब। भाई साहब तो आ गए, भाभी साहब कहाँ रह गई? वो तो इस उत्सव के लिए काफी खुश थी और सबसे पहले तैयार भी हो चुकी थी। तो फिर कहाँ रह गई हूँ? चंपा जी, तुम्हें पता है? किंतु मैं ढूंढ कर लाती हूँ, देखती हूँ कहाँ पर है वो। बिंदिया जी, तुम भी जाओ, सभी सेविकाओं को कहो भाभी साहब को जल्दी ढूंढ कर लाए। उनकी वजह से हमारे परिवार का अपमान हो ये मैं नहीं चाहती। जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ। जी। उदा भाई साहब, वो अपने कक्ष में नहीं है। भाई साहब, वो गिरधर गोपाल के पूजा कक्ष में भी नहीं है। मैंने तो पूरा महल देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। भाई साहब, भाई साहब, पति पत्नी के इस उत्सव में आपकी पत्नी भाभी साहब कहाँ है?
उनके बिना ये उत्सव शुरू नहीं हो सकता भाई साहब। देखिए सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। भक्ति वो रस है, व्यक्ति इसमें जितना घुलता है ईश्वर में उतना ही समाता जाता है।